New YouTube video. Hey guys, good morning and welcome back to our channel that is Mr. and Mrs. Panghal. आज है संडे और आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह से. टाइम हो गया है 10:11. अभी बंटे को लगी है भूख तो आज बनाएंगे स्पेशल बढ़िया प्याज पराठा. फेवरेट. मेरे को भी ठीक लगते हैं पर मेरे को ज़्यादा अच्छे आलू प्याज के लगते हैं. बंटे को ओनली प्याज के. प्याज मेरे फेवरेट होते हैं. मूली के पराठे और प्याज के मुझे अच्छे लगते हैं. बाकी मैं सिंपल भी खा लेती हूँ. आलू के मुझे पसंद नहीं है. बाकी कुछ भी खा लेती हूँ. बस खाना चाहिए. आटा चाहिए. आटा आटे से बनी कोई भी चीज. अभी हम बनाते हैं प्याज पराठा. दिखाते हैं कैसे बनेंगे. करारे करारे टेस्टी एक नंबर. चलो चले चलते हैं किचन में. चलो मैं दिखाता हूँ आपको. हमने रेडी कर लिया पूरी रेसिपी. तो यहाँ पे देखिए प्याज का मसाला तैयार किया है. मसाला वसाला मिला के रेडी कर लिया. और इधर हमारा आटा लगाए. और ये मत सोचना कि ज़्यादा है. ये तो अकेले बंटे के लिए है. नहीं ये हमारे पूरे दिन के लिए. पतले पतले बनेंगे ना. छोटे छोटे आलू की तरह नहीं बनेंगे. आठ ही तो हैं. ज़्यादा कहाँ है. तो अभी हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं बनने के बाद. स्टार्ट डू योर ड्यूटी. गर्मा गर्म पराठे हो गए हैं रेडी. देखिए पराठे. अचार मिर्च का अचार है बहुत टेस्टी. और दही. और ये बंटे बंटे. चलो अभी खा लेते हैं. फ़ोन को चार्ज लगा देते हैं क्योंकि बाकी का ब्लॉग भी कंप्लीट करना है. ये देखिए गाइस भूखड़े लड़की अभी खाना खा हुए. मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ. 20 मिनट ही हुए होंगे. आम उठा के बैठ गए. खाने के बाद कुछ मीठा खाने में. तो ये किसने बोला मैंगो खाना होता मीठे में. मैंगो मीठा है. मीठे में चॉकलेट खाओ गुड़ खाओ मिश्री खाओ वो आप ही खाते हो. पापड़ खाओ सौंफ खाओ. ये क्या है ये. एको कैसे खा रही है. हेलो. ऐसे ही अच्छा लगता है मुझे. काट के अच्छा नहीं लगता. ये कटेगा भी नहीं. ये चूखने वाले हैं. अभी खा लेते हैं आम. बहुत मीठा है. हे गाइस तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब हो गया है इवनिंग टाइम. टाइम हो गया 4:30. अभी कुछ बना लेते हैं क्योंकि भूख लगी है. मैंने सेविंग कर ली. नहा भी लिया. बंटी भी नहा ली. रेस्ट भी किया है पूरा. प्रॉपर रेस्ट किया है. संडे का पूरा मज़ा लिया है. मैंने तो थोड़ा काम किया ऑफिस का और बंटी ने फुल रेस्ट किया. अभी बनाते हैं सैंडविच. और सैंडविच बनाएंगे कौन सी. पनीर सैंडविच बनाएंगे कोल्ड कॉफ़ी के साथ. तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे बनाते हैं. सो गाइस सैंडविच के लिए मसाला रेडी हो गया है. ये देखिए पनीर खीरा और इसमें प्याज काट दिए हनी ने. और अभी उधर ब्रेड लिए जिसपे मायोनीज वगैरह लगाएंगे. फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे. और इधर ये गड़मच रखा है. गड़मच मतलब है. गड़मच पहले नहीं चलाया आपने जब छोटे थे. जब नहीं गड़मच नहीं पता क्या होता है. अरे छोटे बच्चे थे जब लोहे का ऐसे चलाते थे वो उसको तार से. कुछ नहीं पता आपको. पता नहीं मैंने नहीं चलाया. बहुत से लोगों को पता होता है. तो चलो अभी हम बना लेते हैं. बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कैसा बना. गाइज हमारा कोल्ड कॉफी और सैंडविच हो गई है तैयार. ये देखिए करारी करारी सैंडविच और कोल्ड कॉफी. अब खा लेते हैं. बहुत भूख लगी है. कई देर हो गई. लेट्स इंजॉय. गाइज टाइम हो गया 8 बज गए हैं. हमें जाना था मार्केट में पर बंटी मतलब बाहर जाने के नाम पे अगर यूं तो कह देता चाप खिला के लाऊंगा तो फिर चलती. चाप का तो मुंह में. अच्छा सॉरी ठीक है. 6 बजे से नहीं बोल रहे. पहले तो हो गए रेल में बिजी. बनाई रेल क्योंकि संडे को ही टाइम मिलता है. फिर थोड़ा ऑफिस का काम करने लग गया. अब चलते हैं. कोई नहीं 8 बजे हैं. 9 बजे तक वापस फिर अपने आराम से डिनर करके सोएंगे. तो अभी हमें जाना है रिलायंस फ्रेश में. लाने हैं बादाम. और क्या लाओगे भाई. एप्पल. सेहत का ध्यान दे रख. खाते हो नहीं वैसे. कीवी खाई थी आज. नहीं खाई ना. चलो चलते हैं फिर लेट हो जाएंगे. मिलते हैं मार्केट में. तो गाइज हम मार्केट पहुंच गए सेक्टर 23 और आए थे कुछ लेने. और बंटी खाना शुरू हो गई. यहाँ पे देखियो क्या खा रही है जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. ये देखो क्या खा रहे हो. टेस्टी है. ये देखो इडली खा रही है. इडली. आपको तो केरला छोड़ के आऊँगा मैं. साउथ में वहाँ खाना
इसीलिए आपको केरला अच्छा लगता है? बस इडली के लिए? इडली, डोसा, सांभर, वड़ा? मेरा पेट भर जाएगा। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं खा रहा। बंटी एंजॉय कर रही हैं अपना इडली फूड, साउथ इंडियन फूड। बंटी ने अपना खा लिया था साउथ इंडियन, और मैं खा रहा हूँ अपना इंडियन नॉनवेज, तंदूरी चिकन और पनीर। क्योंकि फिर सावन लग जाएगा, ये 2 महीने तक कोई नॉनवेज नहीं होगा, इसलिए आज नॉनवेज खा लेते हैं। ये देखिए तंदूरी चिकन, वाह मस्त। और यहाँ पे ये सारे नॉनवेज वाले हैं दूर तक, इधर भी और उधर भी। हम लेट हो गए थे इसलिए जो मेरे को चाहिए था वो नहीं मिला, तो इसलिए दूसरा ले रहे हैं। अभी ये पैक करवा के लेके जाएंगे, घर खाएंगे अपना आराम से। तो गाइज़ हम फाइनली रूम पे पहुंच गए, टाइम हो गया 10:05, काफ़ी लेट हो गए। और बंटी ने बाहर इडली खा ली थी इसलिए डिनर नहीं बनाया, और मैं अपना ये पैक करवा के लाया हूँ तंदूरी चिकन, तो बस यही खाएंगे। और आज का ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।